हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आंसर बुक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक बिना स्किप किए हुए जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्मार्ट कॉइन के जो है रेगुलर यूजर हैं या फिर अगर आप स्मार्ट कॉइन से पहली बार लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक बिना स्किप किए हुए जो है जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्मार्ट कॉइन के एक नए अपडेट के बारे में, जो मुझे लगता है स्मार्ट कॉइन को जो है बहुत पहले कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब स्मार्ट कॉइन जो है ये अपडेट कर चुका है। अब आप अगर स्मार्ट कॉइन से जो है लोन लेते हैं तो आपके लोन लेने के एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे फिक्स की हैं यहाँ पे स्मार्ट कॉइन ने, जो कि आपको अब लोन लेने के समय जो है दिक्कत का सामना बहुत हद तक नहीं करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट कॉइन से रिलेटेड एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, इससे पहले अगर आप स्मार्ट कॉइन को जो है लोन लेते थे स्मार्ट कॉइन से, वहाँ पे उस लोन को रीपेमेंट करते वक्त आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग से अपने अकाउंट में जो है साइन इन करना पड़ता था, और स्मार्ट कॉइन्स के द्वारा जो दिया हुआ अकाउंट था वहाँ पे आपको ऑनलाइन NEFT या IMPS के थ्रू जो है ट्रांजेक्ट करना पड़ता था। अब वहाँ पे जो रेफरेंस नंबर जनरेट होता था वो आपको स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन में सबमिट करना पड़ता था लोन क्लोजर के लिए। दोस्तों, मैं भी स्मार्ट कॉइन का जो है रेगुलर यूज़र हूँ। यहाँ पे मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब मैं लोन का रीपेमेंट करता था, रेफरेंस नंबर पुट करता था, तो बहुत बार रेफरेंस नंबर मिसमैच हो जाता था, लोन क्लोजर नहीं हो पाता था, और उसके अकॉर्डिंग जो है मुझे बार बार कॉल आता था स्मार्ट कॉइन की तरफ से कि आप अपने लोन का भुगतान जो है करिए। मेरे द्वारा जो है बताया जाता था कि मैं ऑलरेडी लोन का रीपेमेंट ऑलरेडी टाइम से पहले कर चुका हूँ, इसके लिए मुझे कुछ रेफरेंस जो है स्मार्ट कॉइन को मेल करना होता था, जैसे कि बैंक ट्रांजेक्शन और जो भी मैंने पेमेंट किया है उसका रेफरेंस नंबर। बहुत बार ये लोन जो है क्लोज हो जाता था, लेकिन बहुत बार ये लंबे समय के लिए जो है लोन क्लोजर प्रोसेस में चलता था। इसकी वजह से जो है लोन लेने में जो है प्रॉब्लम होती थी दोबारा। ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे यूजर्स के साथ ऑलरेडी जो है हो रहा था। यहाँ पे अब स्मार्ट कॉइन इस बग को जो है फिक्स कर चुका है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरा जो है लोन का जो है सेगमेंट यहाँ पे दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे लोन का रीपेमेंट के लिए टैप करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन भी मौजूद है, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्ट कर सकते हैं और रेफरेंस नंबर पुट कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छे अपडेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप अपने इस एप्लीकेशन में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी जो है पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, अगर आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं ऑनलाइन वॉलेट के थ्रू तो वो भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप लोन को रीपेमेंट करेंगे रियल टाइम में वो लोन क्लोजर आपको जो है मिल जाएगा, या फिर हो सकता है 1-2 घंटे के अंदर आपका वो लोन क्लोज हो जाए। अब उसके बाद आप स्मार्ट कॉइन से जो है दोबारा इंस्टेंट लोन जो है ले पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे स्मार्ट कॉइन बहुत लंबे समय से बहुत पहले से जो है ऑनलाइन लोन सर्व करता हुआ आया है। इसके बाद क्रेडिट बी ने बहुत अच्छा जो है सर्विस हम लोगों को अभी तक प्रोवाइड की है। यहाँ पे क्रेडिट बी में ये ऑप्शन बहुत पहले से जो है हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन स्मार्ट कॉइन जो है इस ऑप्शन को अपडेट नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब आप लोन का रीपेमेंट करते हैं, अब यहाँ पे होता ये कि जब आप उस ऑप्शन से जो है पे करते तो आपको कुछ ज़्यादा अमाउंट अपने लोन को रीपेमेंट करते वक्त जो है देना पड़ता है। हो सकता है इससे कुछ यूजर्स को जो है प्रॉब्लम हो सकती थी, इस वजह से जो है स्मार्ट कॉइन इस ऑप्शन को अपडेट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे इस अपडेट में स्मार्ट कॉइन ने इस बग्स को जो है फिक्स कर दिया, या फिर कह लीजिए एक नया फीचर्स यहाँ पे जो है ऐड कर दिया, जो कि अपने एग्जिस्टिंग यूजर या फिर नए यूजर्स को जो है लोन का रीपेमेंट करने में जो है बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अब दोस्तों, इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मेरा ये था कि बहुत सारे कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि स्मार्ट कॉइन की वजह से मेरा जो है सिविल डाउन हो रहा था, बस कुछ इसी बेसिक से बग की वजह से लोन क्लोजर जो है नहीं हो पा रहा था, और स्मार्ट कॉइन की लोन के वजह से बहुत सारे यूजर्स का जो है सिविल डाउन हो रहा था। तो यहाँ पे स्मार्ट कॉइन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब अगर आप स्मार्ट कॉइन से जो है लोन लेते हैं तो आपका रियल टाइम में लोन क्लोजर यहाँ पे हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए स्मार्ट कॉइन से रिलेटेड। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने माई आंसर बुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही लोन से रिलेटेड अपडेट और नई एप्लीकेशन के बारे में जानकारी हमेशा जो है मिलती रहेगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।